आपका स्वागत है। मैं वनवाईलाल कुशवाहा, आप देख रहे हैं सी टेन न्यूज। देखते हैं खास खबरें। फिरोजाबाद जनपद के थाना सरसागंज क्षेत्र के अंतर्गत हाईवे NH2 धातरी पर विदा कराने जा रही एक इको कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में एक किशोरी की मौत हो गई जबकि आधा दर्जन से अधिक सवारियां घायल हो गईं। हादसा होते ही मौके पर चीख पुकार मच गई। पुलिस ने घायलों को जिला शल्य चिकित्सालय में भर्ती कराया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए फिरोजाबाद रेफर कर दिया। शंकरलाल पुत्र टीकाराम निवासी रजमऊ थाना बेदपुरा जिला इटावा की बहन की शादी 20 मई को गाँव घड़ी जलेसर की थी, जिसकी विदा कराने जा रहे शंकर पुत्र टीकाराम शंकर के मामा गौरव पुत्र कमलेश जो इको कार चालक थे, कीर्ति पुत्री टीकाराम राम रूप राम प्रभु पुत्र कामता प्रसाद धनदेवी पुत्री टीकाराम कमला पुत्री टीकाराम समस्त निवासी रजमऊ थाना बेदपुरा जिला इटावा यशोदा पत्नी भगवती गढ़ी जलेसर नैतिक पुत्र संदीप निवासी गोपालपुरा जलेसर ईगो कार में सवार हो गए। कार जैसे ही दोपहर के 1:30 बजे के करीब थाना सरसागंज के अंतर्गत धातरी के निकट पहुंची ही थी कि अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे उसमें बैठे सभी लोग घायल हो गए। कार में सवार लोगों को चीख पुकार मच गई, लोग जान बचाकर भाग निकले। हादसे के बाद मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। हादसे की जानकारी होते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने राहत कार्य शुरू कराते हुए घायलों को तुरंत जिला शल्य चिकित्सालय ले जाया गया, जहां धनदेवी को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर घायलों को फिरोजाबाद रेफर कर दिया। घटना की जानकारी होते ही परिजन करुण क्रंदन करते हुए फिरोजाबाद के लिए रवाना हो गए। तो देखते रहिए सी टेन न्यूज के साथ मुकेश गुप्ता की खास रिपोर्ट। क्या घटना हुई? गाड़ी पंडित चाहते समय तुम 10 के घर के लोग थे, सारे लोग। कितने लोग थे, कहां से कहां जा रहे थे? घर से आए थे जलेसर के लिए। कैसे हादसा हुआ? गाड़ी रास्ते में चल रही थी, ऐसे रास्ते में चलते सब किसी टकराए नहीं, अपने आप पलट गई, समझ नहीं है कहां से पलट गई। टायर पीछे वाला बिल्कुल वैसा हो गया था। कितने लोग घायल हैं, कितनी मौत हुई? 9 लोग घायल हैं। मौत कितनी हुई? एक की।